loading, sir. Okay. Okay, sir. You can start now. सभी को दिख रही है स्लाइड? यस सर। यस सर। ओके। तो हम क्या कहाँ पे थे? वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट पढ़ा था हमने, एंड द टाइप ऑफ वेव फ्रंट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल, प्लेन एंड सिलेंड्रिकल. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट? दैट इज द पॉइंट सोर्स. ओके, हेलो. द सोर्स फॉर द स्फेरिकल वेव फ्रंट दैट इज द पॉइंट सोर्स मीन्स अगर आपका पास पॉइंट सोर्स है तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में वेव फ्रंट एमिट करेगा. एंड इन केस ऑफ प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट जो होगा, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स ही होता है, बट एक कंडीशन होती है, दैट इज डिस्टेंट पॉइंट सोर्स. डिस्टेंट पॉइंट सोर्स का मतलब इफ अ पॉइंट सोर्स प्लेस अ वेरी डिस्टेंट अवे, दिस इज द पॉइंट सोर्स एंड यू आर फाइंडिंग द वेव फ्रंट एट द डिस्टेंस वेरी फार अवे लाइक दिस. यहाँ पे अगर आपको वेव फ्रंट चाहिए इस पोजिशन पे, तो उस पोजिशन पे हम देखेंगे कि इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है उसने एक जो स्फेरिकल सरफेस बनाया, दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस इज अ वेरी लार्ज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस स्फेरिकल सरफेस की एक बहुत बड़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. ओके, सो इसके लिए अगर हम इसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं लाइक दिस, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस और दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ पॉइंट सोर्स विच इज वेरी फार डिस्टेंस अवे, दिस इज नोन एज द प्लेन वेव फ्रंट. ये है प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स भी हुआ. इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देन द सोर्स फॉर सिलेंड्रिक वेव फ्रंट इज स्लिट्स. इफ देर आर टू स्लिट्स और वी कैन से सिंगल स्लिट्स, सिंगल स्लिट का मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो 3D के अंदर एक वेव फ्रंट बनाएंगे, दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो इनका ये सोर्स होता है, सोर्स एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं. नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल, व्हाट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल? हाइगन्स प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम इफ वी नो द वेव फ्रंट एट द प्राइमरी टाइम. सो हाइगन प्रिंसिपल, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम हाइगन प्रिंसिपल? दैट व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइगन प्रिंसिपल? देन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट. सो करेक्ट आंसर फॉर हाइगन प्रिंसिपल इज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट एट द लेटर टाइम, देन यू कैन यूज हाइगन प्रिंसिपल फॉर द सेम. ओके, नाउ जस्ट टेल मी, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट and this is secondary wavefront, or the primary wavefront which passes through the prism, and the primary wavefront which passes through the lens, this is a lens, convex lens, and a wavefront passes through a mirror. तो जब एक wavefront जो है that is AB एक prism से pass होगा, तो prism का एक refractive index है, lens का भी refractive index है, और इस ये जो mirror है, mirror के लिए कोई refractive index यहाँ पे नहीं है. सो अगर ये वेव फ्रंट पास होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल को रिफ्रैक्ट जो मीडियम है उस मीडियम में कितने टाइम तक ट्रेवल करना पड़ा? लेस और मोर? लेस टाइम ना. तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे वेव फ्रंट पे, इन्हें प्रिज्म के अंदर लेस टाइम ट्रेवल करना पड़ा. तो लेस टाइम ट्रेवल करना पड़ा मीन्स ये पार्टिकल पास होने के बाद यहाँ से पहले पहुंच जाएंगे इसमें. एंड इन केस ऑफ पॉइंट बी, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को प्रिज्म के अंदर ज्यादा टाइम ट्रेवल करना पड़ा. अगर उस ट्रेवलिंग टाइम उसका ज्यादा है, इट मीन्स उसकी स्पीड कम हो जाएगी. इफ ट्रेवलिंग टाइम जो ज्यादा होगा तो स्पीड लेस हो जाएगी इसके अंदर, बिकॉज मीडियम है, मीडियम में स्पीड कम हो जाती है लाइट की. सो इन केस ये कहाँ से, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आएगा. सो जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा, अगर वेव फ्रंट को हम एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा, दिस इज टिल्ट, टिल्टेड, जो टिल्ट होगा पोजीशन में जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा,
इन केस ऑफ लेंस, अगर हम एक लेंस की बात करें तो लेंस में से जब हम एक प्रिज्म को पास करवाते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, अगर मैं तीन पॉइंट कंसिडर करूँ, इफ आई आर टॉकिंग अबाउट द थ्री पॉइंट ए बी सी, देन द लेस टाइम ट्रेवल बाय द पॉइंट बी ना, और लेस टाइम ट्रेवल बाय द पॉइंट ए और लेस टाइम ट्रेवल बाय द पॉइंट सी, किसके द्वारा को कौन लेस टाइम ट्रेवल करेगा? ए एंड सी. वेरी गुड. ए एंड सी ने लेस टाइम ट्रेवल किया, हेंस दे कम्स फास्टर टू द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट से पहले आ गए. एंड द पॉइंट बी ट्रेवल मोर टाइम बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, हेंस इट ट्रेवल मोर टाइम इन द लेंस एंड कम आफ्टर द पॉइंट ए एंड सी. देन द वेव फ्रंट पासिंग थ्रू अ लेंस कन्वर्जेस लाइक अ स्फेरिकल शेप विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसका एक सेंटर होगा और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. एंड इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, नाउ टेल मी हाउ दिस अकर, ये कैसे हुआ यहाँ पे, एनीवन एनीवन एक्सप्लेन द रिजल्टेंट द पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव फ्रंट, कैन एनीवन एक्सप्लेन? ड्यू टू कॉनकेव लेंस. नहीं, ड्यू टू कॉनकेव लेंस तो है, देन व्हाट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज द, हाँ नहीं, ट्रेवल तो किया नहीं इसने, बिकॉज देर इज नो सच अ मीडियम ऑफ ग्लास दैट इन केस ए बी एंड सी ट्रेवल इन द ग्लास मीडियम, बट देर इज अ कंडीशन दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ मिरर, मिरर की फॉर्म में स्फेरिकल सरफेस का यूज करते हैं, देन द पॉइंट बी विच रिफ्लेक्ट मच, ये देखो अगर एक स्फेरिकल सरफेस की बात करूं मैं, तो यहां से देख सकते हो आप, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द फार अवे कंपेयर टू द पॉइंट ए एंड सी ना, जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट ने यहां पे इसको टच किया और जो सी पॉइंट है उसने यहां पे टच किया और बी पॉइंट ने यहां पे टच किया, इट मींस दैट बी इज अ लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी. ओके, द पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश, देन पॉइंट B dash is little bit far away to the point A dash B, C dash. Hence, point A and B reflect before the point B. Point B reflect होने से पहले ही point A और point C reflect होंगे. Hence, the resultant wave front appears like this. Okay? Because B को कितना travel करना पड़ा? ज़्यादा travel करना पड़ा. Hence, the position is like this. And the radius of curvature R. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, एंड अगर ये स्फेयर बनेगा, बट वी हैव टू डिस्क्राइब द रिजल्टेंट वेव फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, सो हमने यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनाया. दिस इज द फिनोमेना ऑफ वेव फ्रंट विद हाइगन प्रिंसिपल एंड पोजिशन ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द वेव फ्रंट, लाइक दिस इज अ वेव फ्रंट, देन इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो साइमल्टेनियसली एक ही वेलोसिटी से एक ही पोजिशन से ट्रेवल करेंगे. This is basically the Huygens principle, and Huygens principle to find the position of the wavefront. Hence, this is the primary wavefront, and this is the secondary wavefront. This is the we have to find the position of the wavefront in the with the help of Huygens principle. Now, the Doppler effect. What is the Doppler effect? Okay, Doppler effect. The option is what is the application of Doppler effect? The application of Doppler effect to find the position of the star. To find the position of the star, कि एक अगर हम न्यूज अगर न्यूज देखते हैं तो आप उसमें देखते हो कि मार्स जो मार्स और कुछ और मार्स की बात करें या फिर एनी ऑफ द स्टार एनी ऑफ द प्लेनेट विच इज नियर टू द अर्थ और फार अवे टू द अर्थ, की एक स्टार अर्थ के दिस इज द अर्थ, अगर एक गैलेक्सी अर्थ स्टार की बात करें तो हम देखते हैं कि एक स्टार अर्थ के पास आ रहा है, स्टार दूर अर्थ से दूर जा रहा है, तो ये कैसे मेजर करेंगे? अगर आप डिस्टेंस को तो मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ लाइट ईयर्स एंड यू कैन नॉट मेजर द लाइट ईयर. कैन यू मेजर द लाइट ईयर? नो सर, यू नहीं कर सकते ना, लाइट ईयर को मेजर नहीं कर सकते. तो जब ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के ब्लू शिफ्ट द लाइट वेरी गुड, दैट
यही तो डॉपलर इफेक्ट है, दैट इज द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. ओके, तो इसी से हमें पता चलता है कि एक जो स्टार है वो अर्थ से दूर जा रहा है या पास आ रहा है. अगर वो अर्थ के पास आएगा तो उसकी वेवलेंथ में चेंज होगा तो वो शिफ्ट देखेंगे हम, और अर्थ से दूर जाएगा तो उसकी वेवलेंथ में जो चेंज होगा वो शिफ्ट देखेंगे. अदरवाइज वी कैन नॉट मेजर द लाइट ईयर एज एन मेजरमेंट. तो ये जो कंसेप्ट था दैट इज गिवन बाय द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट इज मैथमेटिकली गिवन बाय द डेल्टा वी अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी रेडियल, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू वी रेडियल अपॉन सी माइनस. सर व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा न्यू मींस चेंज इन पार्शली चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है म्यू, एंड सम इसे डिनोट कर सकते हैं आप, म्यू भी बोल सकते हैं, न्यू भी बोल सकते हैं. आई प्रोनाउंस इट लाइक अ न्यू. सो डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. सो वी रेडियल इज कंसिडर पॉजिटिव व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड वी रेडियल नेगेटिव व्हेन टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट. सो डॉपलर गेव द फॉर्मूला टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द स्टार. डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. वी रेडियल इज कंसिडर पॉजिटिव वेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव वेन सोर्स टुवार्ड्स द मूव टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द डेल्टा न्यू बाय न्यू इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी. दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नथिंग एल्स. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज अप्रैल 2015 एटीसी क्वेश्चन. ये अप्रैल 2015 में आया था एटीसी के. सो ट्राई इट.